तो उनके अंदर कितना एक्सटेंशन पैदा हुआ यानी उनकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ जैसे सबसे पहले जो लोड डाला है वो जीरो डाला है फिर टू डाला है फिर फोर डाला है फिर सिक्स एट टेन ट्वेल्व और फोर्टीन और उससे जो ज़ीरो से एक्सटेंशन हुआ जीरो हुआ क्योंकि जब लोड ही नहीं डाला तो एक्सटेंशन भी कुछ नहीं होगा और ये लोड जो है न्यूटन में है और एक्सटेंशन मिलीमीटर mm में है फिर टू लोड डाला तो फिफ्टीन एक्सटेंशन हुआ फोर लोड डाला तो थर्टी एक्सटेंशन हुआ सिक्स लोड डाला तो फोर्टी फाइव एक्सटेंशन हुआ एट न्यूटन लोड डाला तो सिक्सटी एक्सटेंशन हुआ 10 न्यूटन के लोड पे 75 फाइव एक्सटेंशन ट्वेल्व न्यूटन के लोड पे 90 एक्सटेंशन 14 न्यूटन के लोड पे 100 एक्सटेंशन हुआ तो ये सारा हमें एक चार्ट दिया है और इसके हमें क्वेश्चन दिए वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर ए है यूज दीज रिजल्ट ग्राफ प्लॉट एक्स इजिकल्स टू लोड वाई इजिकल्स टू एक्सटेंशन इन स्प्रिंग हमें इन दोनों वैल्यूज का एक ग्राफ बनाना है इस ग्राफ के अंदर हमें एक्स एक्सिस के ऊपर लोड रखना है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन को प्लॉट करना है इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ देखिए ये, ये चार्ट है जो आपका गिवन है ये तमाम लोड है और ये एक्सटेंशन है इन्होंने हमें कहा था हमें एक्स एक्सिस के ऊपर लोड को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन को प्लॉट करना है ये जो लोड था एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट कर दिया जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन ये हमें लोड गिवन था इनका डिस्टेंस मैंने पूरा जो है टू सेंटीमीटर का रखा है आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं इससे ईजी हो जाएगा क्योंकि देखिए जीरो से टू तक यहाँ पे टू सेंटीमीटर है इसका बिल्कुल हम सेंटर कर देंगे तो वन आ जाएगा इसी तरह टू और फोर के बीच में थ्री आएगा फोर और सिक्स के बीच में फाइव आएगा इस तरह से हो जाएगा और एक्सटेंशन हमें गिवन था है जीरो फ़िफ्टीन थर्टी फोटी फाइव सिक्सटी सेवेंटी फाइव नाइन्टी और हंड्रेड इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिफ्टीन का टेबल है तो यहाँ से ज़ीरो से फिफ्टी थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव नाइन्टी और हंड्रेड ये हमने सब एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लॉट कर दिया आप चाहें तो सेम इतना डिस्टेंस भी यानी टू सेंटीमीटर का भी रख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी अब मैं इसको प्लॉट करती हूँ फिर इसके हम आंसर्स निकालेंगे सबसे पहले हमें इन्होंने पहली वैल्यू दी है ज़ीरो का जीरो के साथ तो ज़ीरो का ज़ीरो के साथ तो फिर यहाँ पर ही आ गया ठीक है सेकेंड हमारी वैल्यू है लोड टू है और एक्सटेंशन फिफ्टीन है ये टू और फिफ्टीन तो इसको देखें इस तरह से रखेंगे टू हमने ये लिया और कहाँ तक लेना है हमें फिफ्टीन की हाइट तक लेना है ये आ गया इसका हमारे पास निशान हमने इसका एक क्रॉस डाल दिया ठीक है ये फर्स्ट वैल्यू प्लॉट हो गई सेकेंड है फोर और थर्टी यहाँ से फोर पे रखेंगे और थर्टी तक हम लेंगे ये थर्टी यहाँ से देखें थर्टी तक और यहाँ से फोर पे ये आ जाएगी इसकी सेकेंड वैल्यू चाहें तो आप इसकी लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं लाइन्स ड्रॉ करने में भी कोई मसला नहीं है देखें ये हमने लाइन ड्रा कर ली है लाइन भी ड्रा कर सकते हैं और ऐसे ही भी ले सकते हैं टू फिफ्टीन और फोर और थर्टी हमने ले ली इसके बाद हमें लेना है सिक्स के साथ फोर्टी फाइव यहाँ पर सिक्स है और ये फोर्टी फाइव है सिक्स और फोर्टी फाइव इसके बाद हमें लेना है एट और सिक्सटी एट को सिक्सटी तक यहाँ से देखें ये सिक्सटी आ रहा है और ये एट आ रहा है लाइन्स डालना जरूरी नहीं है चाहे तो हम सिर्फ ऐसे ही भी इसकी सिर्फ क्रॉस डाल सकते हैं एट और सिक्सटी उसके बाद हमारे हमें प्लॉट करना है टेन और सेवेंटी फाइव यहाँ से सेवेंटी फाइव है और ये है टेन ये टेन और सेवेंटी फाइव हो गया फिर ट्वेल्व नाइन्टी और फोर्टीन और हंड्रेड कर लेते हैं ट्वेल्व नाइन्टी के साथ के बाद फोर्टीन का करना है हंड्रेड के साथ फोर्टीन ये हो गया हंड्रेड इन तमाम वैल्यूज को ज्वाइन कर देंगे सारी वैल्यूज हमने ज्वाइन कर दी हमें पार्ट ए के अंदर ग्राफ बनाना था ये हमने इन तमाम वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट कर दिया है इसके बाद पार्ट बी है पार्ट बी में हमसे कहते हैं यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द एक्सटेंशन वेन द लोड इज़ थ्री न्यूटन पार्ट बी में हमसे पूछा है कि अगर इसके ऊपर थ्री न्यूटन का लोड लगाया जाए तो कितना एक्सटेंशन होगा ग्राफ के अंदर आप देखें थ्री किधर है टू और फोर के बीच में होगा बिल्कुल सेंटर में तो देखें ये थ्री है इस लाइन के ऊपर देखें थ्री यहाँ पे आ रहा है इस लाइन को ही हम यहाँ तक एक्सटेंड करके देखते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्सटेंशन की थ्री लोड के ऊपर एक्सटेंशन कितना आ रहा है फिफ्टीन और थर्टी के बिल्कुल बीच में आ रहे हैं देखिए दोनों वैल्यूज़ के दरमियान फिफ्टीन का डिफरेंस है तो फिफ्टीन का हाफ क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव होता है ठीक है यहाँ फिफ्टीन है फिफ्टीन के अंदर सेवन पॉइंट फाइव प्लस कर दें कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फिफ्टीन और थर्टी के बिल्कुल जो मिड वैल्यू है वो है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव तो हम बी का आंसर लिखेंगे एट थ्री न्यूटन लोड एक्सटेंशन विल बी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एम एम मिलीमीटर ये इसका पार्ट बी का आंसर आ गया ये पार्ट बी का पार्ट वन हो गया ठीक है पार्ट बी का पार्ट टू भी है पार्ट बी के पार्ट टू में पूछे द लोड विच प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ फोर्टी एम एम आपको बताना है कि अगर फोर्टी एम एम का एक्सटेंशन हो रहा है तो कितना लोड होगा हमें एक्सटेंशन किए बने फोर्टी एम एम देखें थर्टी से लेके फोर्टी फाइव तक कितना डिफरेंस है फिफ्टीन का डिफरेंस है अगर हम इनका मिडिल देखें बिल्कुल सेंटर देखें तो कितना हो जाएगा वो उनका डिफरेंस हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव यानी कि अगर हम सेंटर में लेते हैं तो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव बनता है हमें चाहिए फोर्टी तो सेंटर से हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे ठीक है तकरीबन इतना ले लेते हैं हम और इसको मार्क करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास लोड कितना आएगा ठीक है ये हमने ले लिया और इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए क्या आ रहा है फोर और सिक्स के बीच में लोड आ रहा है कितना होगा फोर और सिक्स का बिल्कुल मिडिल फाइव होगा तो हमें पता चल गया कि अगर फोर्टी एम एम एक्सटेंशन हो रहा है तो लोड कितना होगा फाइव न्यूटन लोड होगा तो हम पार्ट बी का पार्ट टू का आंसर लिखेंगे फाइव न्यूटन लोड विल प्रोड्यूस फोर्टी एम एम एक्सटेंशन यही हमसे इन्होंने इसके अंदर पूछा था अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं द वेरिएशन इन एक्सटेंशन एक्स ऑफ द फोर्स एफ फॉर अ स्प्रिंग इज शोन इन फिगर फाइव पॉइंट एल ऑन द ग्राफ इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं ये एक ग्राफ हमें गिव किया है इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे फोर्स को शो किया गया है और वाई एक्सिस पे एक्स यानी एक्सटेंशन शो किया है देखें अगर एक स्प्रिंग है उसके अंदर फोर्स लगाई जाती है तो उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा होता है यानी उसकी लंबाई में इजाफा होता है उसे कहते हैं एक्स तो जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो किया है और जो उस पर फ़ोर्स अप्लाई हो रही होंगी वो एक्स एक्सिस पे शो की हैं इसके अंदर आप देखें फ़ोर्स कितनी है ज़ीरो टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व और एक्सटेंशन कितना है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये पूरा इन्होंने ग्राफ दिया है और इसको प्लॉट करके दिया है इसको हमें प्लॉट नहीं करना इसमें से हमें सिर्फ आंसर तलाश करना है क्वेश्चन टू का पार्ट ए है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट इसमें आपको इलास्टिक लिमिट की मीनिंग बतानी है यानी इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन बतानी है पहले मैं आपको समझाऊं इलास्टिक लिमिट क्या होती है फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी देखें जब किसी बॉडी के ऊपर या किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा होता है यानी उसकी लेंथ में या उसके शेप में चेंज आता है लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं वो बॉडी या वो स्प्रिंग अपनी पुरानी पोजीशन पे या अपने पुराने शेप पे वापस आ जाता है अगर हम ऐसा ऐसा फ़ोर्स को इंक्रीज करते जाएं, तो एक पॉइंट या एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब हम फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो स्प्रिंग या वो बॉडी अपने पुराने शेप पर या अपनी पुरानी लेंथ पर वापस नहीं जाएगी बल्कि वो डिफॉर्म हो जाएगी वो पॉइंट वो कहलाती है उसकी इलास्टिक लिमिट ठीक है ये हो गई इलास्टिक लिमिट यानी अगर ये देखें एक स्प्रिंग है इस इसपे फोर्स अप्लाई करते गए पहले जीरो न्यूटन लगाई फिर टू न्यूटन लगाई फोर न्यूटन सिक्स न्यूटन एट न्यूटन और टेन न्यूटन तक यहाँ तक इस इसपे फोर्स अप्लाई करिए तो देखें इसका ग्राफ कैसा आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है लेकिन पॉइंट एल यहाँ पर है जिसके बाद ग्राफ जो है वो डाउन हो गया ग्राफ जो है स्ट्रेट नहीं रहा ग्राफ में चेंज आ गया ये पॉइंट एल जिस वक्त ग्राफ जो है वो चेंज हो गया स्ट्रेट नहीं रहा वो पॉइंट इस स्प्रिंग का इलास्टिक लिमिट है यानी यहाँ तक जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो चेंज आएगा फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा लेकिन अगर हम इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इस लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्प्रिंग अपने पुराने शेप पर या पुरानी लेंथ पर वापस नहीं जाएगा बल्कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होगी ये ग्राफ का जो कर्व है ये शो करता है कि ये पॉइंट इस स्प्रिंग का इलास्टिक लिमिट है ठीक है अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन नंबर ए के अंदर पहले तो इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन पूछिए और फिर इसका पार्ट बी देखें नेक्स्ट पेज पर तो पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा है कि इसके अंदर एल की वैल्यू क्या है इस ग्राफ को आप गौर से देखें तो देखें यहां पर एट है और यहां पर सिक्स है सिक्स और एट के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या होगा सेवन होगा ठीक है क्योंकि देखें इसी तरह है ये. ये जीरो है और ये टू है तो इन दोनों के सेंटर में वन होगा टू के बाद फोर है इसका मतलब है इसके बिल्कुल सेंटर में थ्री है इसी तरह फोर और सिक्स के बीच में फाइव सिक्स और एट के बीच में सेवन है ये जो एल है इसके अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो आपकी लाइन आएगी एट से बस देखें थोड़ा सा पहले आ रही है ये लाइन एट से थोड़ा सा पहले आ रही है यानी एल जो है वो एट नहीं है एट से पहले है यानी सेवन पॉइंट एट है एल यानी इलास्टिक लिमिट कितनी है इस स्प्रिंग की वो है सेवन पॉइंट एट यानी इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट सेवन पॉइंट एट है अगर हम सेवन पॉइंट एट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लेंगे इसलिए जब हम फोर्स हटाएंगे तो ये अपनी पुरानी पोजिशन पर नहीं आएगा इसलिए ग्राफ जो है वो इसके अंदर चेंज हो जा रहा है कर्व हो रहा है तो ये पार्ट बी का आंसर होगा सेवन पॉइंट एट न्यूटन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे कैलकुलेट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वेन अ लोड ऑफ फोर्टीन न्यूटन इज़ हंग फ्राम इट्स एंड आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड करना है जबकि वो जो एक्सटेंशन हो रहा है यानी कि स्प्रिंग के अंदर जो लंबाई में इजाफा हो रहा है यानी उसकी लेंथ जितनी एक्सटेंड हो रही है वह है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और लोड यानी फोर्स जो इस पर अप्लाई हो रही है वो है फोर्टीन न्यूटन यानी अगर एक स्प्रिंग के ऊपर फोर्टीन न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर 3.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन पैदा हो रहा है उसकी लेंथ में 3.5 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है तो आपको बताना है कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा यानी के इसमें आपको फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करते हैं डेटा बना लेते हैं सबसे पहले हम जो फोर्स यानी लोड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है एफ इज एक न्यूटन एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एक्स इज इक्ल्स टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के आपको फाइंड करना है अब इसके अंदर देखें ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ना वो मीटर में होता है यानी हमें इस एक्सटेंशन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये 3.5 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम 3.5 को 100 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा जब हम 3.5 को 100 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.035 मीटर तो x विल बी इक्वल्स टू जीरो जीरो थ्री फाइव मीटर यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है मुझे यहाँ ही लिखना चाहिए था लेकिन क्योंकि मैंने डेटा पहले से बना दिया था इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है ठीक है जब हम थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव मीटर अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या अप्लाई करेंगे अभी हमने हुक्स लॉ पढ़ा इसके अंदर हम हुक्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे हुक्स लॉ का फार्मूला होता है एफ इजिकल्स टू के एक्स इसके अंदर हमें के फाइंड करना है तो हम के को अकेला कर लेंगे एक्स जो है ये के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाएगा एफ़ के पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा के विल बी इक्वल टू एफ़ डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा के विल बी इक्वल टू अब इसकी वैल्यू सब्टीट्यूट कर देते हैं एफ़ की जगह हम लिखेंगे फोर्टीन न्यूटन फोर्टीन न्यूटन को हमें डिवाइड करना है एक्स से एक्स हमारे पास है ज़ीरो मीटर जीरो मीटर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 14 को हम 0.035 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 तो स्प्रिंग कांस्टेंट के विल बी इक्वल्स टू तो 400 न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर एन एम माइनस वन भी लिख सकते हैं हम एन डिवाइडेड बाय एम वन भी लिख सकते हैं ठीक है ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फोर हमारा सॉल्व हो गया हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड न्यूटन पर मीटर इस तरह भी लिख सकते हैं और एन एम माइनस वन बी करके लिख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व हो गया सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फाइव है टेबल हमें गिवन है ये पूरा एक टेबल इसके अंदर हमें ये लोड गिवन है मुख्तलिफ इसमें लोड इसमें यूज किया गया उससे जो एक्सटेंशन पैदा हो रहा है स्प्रिंग के अंदर वो ये गिवन है हमें ये दो कॉलम हमें गिवन है लेंथ का हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे क्वेश्चन नंबर ए में हमसे कहा है कि इस लोड और एक्सटेंशन के दरमियान में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है पार्ट बी के अंदर आपको बताना है कि इस स्प्रिंग की लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है ठीक है ये आपको इसमें बताना है पार्ट सी के अंदर आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड करना है इलास्टिक लिमिट की जो वैल्यू एल आएगी तो उसके जरिए आप स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड करेंगे पार्ट डी में आपसे कहा फोर्स की मैग्नीट्यूड बताना है जिस पर हुक्स लॉ अप्लाई हो जाएगा तो इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जब आप इसको सोल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा सबसे पहले तो हम जो गिविन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लेते हैं गिविन चार्ट के अंदर हमें लोड गिविन है लोड हमने पास है ये लिखा है एक्सटेंशन हमने वाई एक्सिस पे शो है और लोड हमने एक्स एक्सिस पे शो करा है लोड हमें गिविन था जीरो टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व ये मैंने टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है इसके बीच के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे वन आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ठीक है और जो हमें एक्सटेंशन गिवन थी वो थी एटी एटी थ्री एटी सिक्स एटी नाइन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री ये सब हमने इक्वल डिस्टेंस से लिख दिए सबसे पहली तो ज़ीरो है हमने जीरो ही लिखा है सबसे पहली वैल्यू अब हम चार्ट को देखते जाते हैं और इसको प्लॉट करते जाते हैं तो टू न्यूटन की फोर्स पे कितना है एट्टी है इसको ड्रॉ करते हैं देखें इस तरह से ये आ गया टू और यहाँ पे आ गया ये एट्टी तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई ठीक है टू और एटी सेकेंड हमें वैल्यू गिविन है इसके अंदर फोर और एटी थ्री ये देखिए फोर और यहाँ से आ गया ये एटी थ्री ये लाइन्स डालना जरूरी नहीं है मैं आपको लाइन्स इसलिए डाल के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फोर और एटी थ्री हमने प्लॉट कर दिया इसके बाद है सिक्स और एटी सिक्स तो आप इसको ऐसे करके देखें सीधा करके देख करके सिक्स और यहाँ से एटी सिक्स तो बस ये यहाँ पे एक क्रॉस आ जाएगा इसके बाद आप देखें एट और एटी नाइन आपको करना है ऐसे रखें एट को 89 तक यहाँ तक देखें ये 89 है यहाँ पर क्रॉस आ गया जब टेन फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा 92 इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं ये आ गया 92 टू पे है 93 ये आ गया ट्वेल्व कहते हैं नाइन्टी हमारा है यहाँ पर ये यह आ गया 93 अब ये हमने सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर दी अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से इन तमाम वैल्यूज़ को ज्वाइन करेंगे यहाँ से हम इनको मिलाते हैं ये देखिए जब हम इनको इनके सेंटर से इस तरह स्केल रख रहे हैं तो तमाम वैल्यूज इस स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं लेकिन ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये इस स्ट्रेट लाइन से मैच नहीं कर रही तो हम जहाँ तक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है वहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ तक ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई है लेकिन यहाँ से जो है यहाँ पर चेंज आ जाएगा ये देखें अगर हम लाइन को सीधा लेके जाए तो वो इस क्रॉस के अंदर सेंटर से नहीं गुजर रहा इस क्रॉस के सेंटर से हम यहाँ से इसको मिलाएंगे यहाँ तक तो देखिए कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन आई है लेकिन यहाँ से लाइन थोड़ी सी कर्व्ड हो गई है तो ये वो पॉइंट है जो कि इस स्प्रिंग का एल या लिमिट ऑफ प्रोपेशनैलिटी कह लें या फिर इलास्टिक लिमिट है ठीक है ये है एल एल हमारे पास कितना आ रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं एल हमारे पास आ रहा है नाइन्टी टू और कितनी फोर्स के ऊपर ये इलास्टिक लिमिट है इसकी यह है टेन न्यूटन की फ़ोर्स पे ये तमाम आंसर्स हमें अपने क्वेश्चंस के मिल गए अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट बी में हमें लिमिट ऑफ प्रोपोशनैलिटी बतानी है यानी एल हमें बतानी है लिमिट ऑफ प्रोपोशनैलिटी का मतलब है वो लिमिट जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता हुक्स लॉ हमने पढ़ा है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स और एक्सटेंशन uh, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं इसीलिए देखें जब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहे फोर्स ज़्यादा हो गई एक्सटेंशन कम हो गया तो ये जो है इसके अंदर आपको कर्व दिखाई दे रहा है अपसाइड कर्व आ रहा है इसके अंदर ठीक है तो लिमिट ऑफ प्रोपेशनलैलिटी का मतलब है वो लिमिट या वो एक्सटेंशन की लिमिट जिस तक कोई ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होता है यानी हमें इसके अंदर एल बताना है लिमिट ऑफ प्रोपेशनलिटी एल इसके अंदर है नाइन्टी टू तो हम लिख देते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल इक्वल टू नाइन्टी टू सेंटीमीटर ये पार्ट बी हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट सी के अंदर हमसे कहा है हमें स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है यानी हमें के इसके अंदर फाइंड करना है के फाइंड करने के लिए हम ये तमाम वैल्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली वैल्यू यूज़ करेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली वैल्यू हमारे पास है फोर्स जिसमें है टेन न्यूटन और एक्सटेंशन है नाइन्टी टू सेंटीमीटर तो पहले हम डेटा बना लेते हैं के यानी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमें फाइंड करना है और फोर्स इसके अंदर है टेन न्यूटन और एक्स यानी एक्सटेंशन इसके अंदर हो रहा है नाइन्टी टू सेंटीमीटर का लेकिन देखें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का जो यूनिट है उसके अंदर एक्स जो है वो मीटर में होता है तो हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइनटी टू को हम डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से नाइन्टी टू को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन टू मीटर फार्मूला हम लिखते हैं फार्मूला हुक्स लॉ का है एफ़ इज टू के एक्स इसके अंदर में के फाइंड करना है तो के को हम अकेला कर लेंगे एक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है के, के साथ इक्वल के इस तरफ एफ़ के पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी के विल भी इक्वल टू एफ अपॉन एक्स एफ और एक्स की वैल्यू सब्टीट्यूट करते हैं एफ़ को एक्स से डिवाइड करके के निकाल लेते हैं एफ हमारे पास है टेन न्यूटन और एक्स हमारे पास है ज़ीरो पॉइंट नाइन टू टेन को जीरो पॉइंट नाइन टू से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा टेन पॉइंट एट सिक्स नाइन फाइव बस इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है टेन पॉइंट एट भी काफ़ी है न्यूटन पर मीटर एन बाय ये हमारा इसका आंसर आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास निकला है टेन पॉइंट एट सिक्स नाइन अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम ये नाइन्टी टू को सेंटीमीटर में रख के करेंगे तो हमारे पास चेंज निकलेगा मैंने मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि स्प्रिंग पर मीटर होता है, -1. So, 5 के, के है हमें वो मैक्सिमम फोर्स बतानी है जिस पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है यानी हमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली फोर्स बतानी है यानी वो मैक्सिमम फोर्स लॉ एप्लीकेबल होगा इस ग्राफ का आप गौर से देखें तो इस ग्राफ के पूरा स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है 10 न्यूटन तक के स्ट्रेट है, है यानी 10 न्यूटन तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है लेकिन 10 न्यूटन के बाद जो है ये ग्राफ अपसाइड कर्व हो रहा है यानी 10 न्यूटन की फोर्स से ज्यादा जब फोर्स हो जाएगी तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा तो इस स्प्रिंग की वो मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन है इसका आंसर हम लिख देते हैं द मैक्सिमम फोर्स एट व्हिच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इज 10 न्यूटन ये हमारा आंसर आ गया इसका फाइव के जो फोर पार्ट थे कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन एट करते हैं ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स से प्रेस कर रहा है थम टैक जो होता है वो बड़ी सी नेल होती है वो कील होती है जिसका बड़ा सर होता है और छोटी सी टिप होती है तो उस पिन को ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स के साथ एक लकड़ी के अंदर प्रेस कर रहा है द सर्फेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थम टैक इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर उस थमटैक या कील का जो हेड का सरफेस एरिया है वो है वन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ थमटैक इज जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो टिप है उसका सरफेस एरिया जो है वो जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर स्क्वायर है कैलकुलेट हमें क्या करना है इसके अंदर ए e के अंदर हमें कैलकुलेट करना है द प्रेशर एक्जेड द बॉयज ऑन द हेड ऑफ थम टैक हमें बताना है कि वो लड़का अपने थम्प से थम टैक के हेड के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है पार्ट बी के अंदर द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थम्प टैक ऑन द वुड उस थम टैक की टिप के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है हमें वो बताना है यानी पी टू हमें बताना है सी के अंदर हमें फाइंड करना है वॉट कॉन्क्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी ये जो पार्ट ए और बी के जो आंसर्स निकलेंगे हमें उसका कॉन्क्लूजन भी लिखना है ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर करना बहुत आसान होता है तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाती हूँ थमटैक किस तरह से होती है देखिए थमटैक ऐसी पेन होती है जिसका हेड बड़ा होता है और उसकी टिप छोटी होती है तो लड़का इस थम टैग को एक लकड़ी के पीस के अंदर इंसर्ट कर रहा है प्रेस कर रहा है तो उस इस थम टैग का जो हेड का एरिया है वो है वन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो टिप है इस टिप का एरिया है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन सेंटीमीटर स्क्वायर हमें बताना ये है कि जब वो प्रेस कर रहा है ट्वेंटी न्यूटन की फ़ोर्स से तो इस हेड के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है और इस टिप के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है पी वन और पी टू हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं फोर्स एफ कितनी है जो फोर्स लड़का अप्लाई कर रहा है वो है ट्वेंटी न्यूटन एरिया ऑफ हेड ऑफ थमटैक यानी इस थमटेक के हेड का जो एरिया है वो कितना है वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता हमेशा मीटर में होता है तो इसको हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस वन को हम डिवाइड करेंगे हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड से देखें जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम हंड्रेड से डिवाइड करते हैं लेकिन क्योंकि ये एरिया है और स्क्वायर में है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो इसलिए हमें मीटर स्क्वायर में ही निकालना होगा तो हम हंड्रेड को टू टाइम लिखेंगे हम लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हंड्रेड को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा टेन थाउजेंड जब आप वन को टेन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए वन यानी एरिया वन आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो वन मीटर स्क्वायर ये ए वन यानी थमटैक के हेड का एरिया हमने निकाल लिया इसके बाद एरिया ऑफ टिप ऑफ थमटैक ए टू इस, इस थमटैक की जो टिप है इसका एरिया कितना है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन सेंटीमीटर स्क्वायर जीरो पॉइंट ज़ीरो वन सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी इसके अंदर सेंटीमीटर में इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जीरो पॉइंट ज़ीरो वन को डिवाइड कर देंगे हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड से यानी हम ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन को टेन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे जब हम ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन को टेन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ज़ीरो उसके बाद आएगा वन ठीक है ये हो गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट ए टू हमारे पास आ गया जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन मीटर स्क्वायर अब हमें फाइंड क्या करना है हमें इस थमटैक के हेड पे जो प्रेशर पी वन लग रहा है वो फाइंड करना है और थमटैक के टिप पे जो प्रेशर है पी टू वो भी फाइंड करना है और कंक्लूजन भी निकालना है सबसे पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं प्रेशर ऑन हेड ऑफ थमटैक यानी पी वन फाइंड करते हैं तो डेटा हम बना लेते हैं एफ हमारे पास कितनी है ट्वेंटी न्यूटन है पी वन हमें फाइंड करना है और हमारे पास ए वन यानी एरिया कितना है एरिया है हमारे पास जो हमने कन्वर्ट करके निकाला है जीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो वन मीटर स्क्वायर तो हम इसके अंदर फार्मूला सब्टीट्यूड करते हैं पी इजिकल्स टू एफ़ अपॉन ए होता है पी वन इजिकल्स टू एफ़ अपॉन ए वन हो जाएगा एफ़ कितना है हमारे पास है ट्वेंटी इसको हम ए वन यानी एरिया से डिवाइड कर देंगे जीरो पॉइंट जीरो वन से जब हम ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू हंड्रेड थाउजेंड वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड मिलियन आप इसको टू मिलियन भी कह सकते हैं और टू हंड्रेड थाउजेंड भी कह सकते हैं प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल पी ए प्रेशर का यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है पार्ट बी के निकालते हैं हम प्रेशर ऑन टिप ऑफ थमटेक प्रेशर ऑन टिप ऑफ थमटेक यानी पी टू हम फाइंड करते हैं फोर्स हमारे पास वही है लेकिन एरिया इसमें चेंज हो गया फोर्स हम लिख लेते हैं ट्वेंटी न्यूटन है ए टू एरिया कितना है इसके अंदर ज़ीरो पॉइंट इसके अंदर हमारे पास है फाइव जीरोज़ वन टू थ्री फोर फाइव जीरोज़ वन मीटर स्क्वायर और हमें पी टू फाइंड करना है पी टू विल बी इक्वल्स टू एफ़ अपॉन ए टू कर देंगे एफ़ हमारे पास है ट्वेंटी न्यूटन ट्वेंटी को हम डिवाइड कर देंगे जीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन से जब हम ट्वेंटी को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू ज़ीरो 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 यह ट्वेंटी हंड्रेड थाउजेंड यह है ट्वेंटी मिलियन वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन यह ट्वेंटी मिलियन ट्वेंटी मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास तो ये आपके पास प्रेशर आ गया अब ये देखें दोनों का प्रेशर में कितना बड़ा फर्क आ रहा है आपको पार्ट सी के अंदर इन दोनों का कंपैरिजन करना है देखिए प्रेशर वन हमारे पास है टू मिलियन और प्रेशर टू हमारे पास है ट्वेंटी मिलियन कितना बड़ा फर्क है टू हंड्रेड थाउजेंड में और ट्वेंटी हंड्रेड थाउजेंड में हेड का एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम था जबकि जो टिप है उसका एरिया कम था छोटा एरिया था तो प्रेशर ज़्यादा इन्जर्ट हो रहा है इससे हमें पता चलता है प्रेशर इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन टू एरिया वेन द एरिया इज इन डिक्रीजेज द प्रेशर विल इंक्रीज आंसर हम लिख लेते हैं द प्रेशर ऑन टिप ऑफ थमटेक इज ग्रेटर थमटेक की टिप के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा है बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एरिया ठीक है तो ये हमने इसका कंक्लूजन भी लिख दिया मैं आपको सी का आंसर एक बार और पढ़ के बता देती हूँ द प्रेशर ऑन टिप ऑफ थमटेक इज ग्रेटर थमटेक की टिप के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा बिकॉज प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया प्रेशर जो है एरिया के डिक्रीज होने से इंक्रीज हो जाता है तो हमारे क्वेश्चन नंबर एट के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर नाइन है द फिगर फाइव पॉइंट वन फाइव जोज अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम दैट हैज स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जीरो मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम है फिगर नंबर फाइव पॉइंट के अंदर ये बना हुआ ये है हाइड्रोलिक सिस्टम तो इस हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर दो पिस्टन है एक ये स्मॉल पिस्टन है और एक ये लार्ज पिस्टन है इस्मॉल पिस्टन का एरिया है जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव मीटर स्क्वायर और ये जो लार्ज पिस्टन है ये वाला इसका एरिया है जीरो पॉइंट वन मीटर आगे अब देखते हैं क्या क्या है अ फोर्स ऑफ ट्वेंटी इज अपलाईड टू स्मॉल पिस्टन तो एक फोर्स जो है वो इस स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई हो रही है और वो फोर्स कितनी है ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स है हमें कैलकुलेट क्या करना है हमें इसके अंदर तीन चीजें कैलकुलेट करनी है ए में हमें कैलकुलेट करना है द प्रेशर ट्रांसमिटेड इन टू हाइड्रोलिक फ्लूड इस हाइड्रोलिक फ्लूड के अंदर जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है उसे आपने बताना है कि कितना प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है हमें ये बताना है कि ये जब पिस्टन प्रेस किया जा रहा है ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स से तो ये कितना प्रेशर इस फ्लूइड के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है पार्ट बी के अंदर पूछते हैं द फोर्स एट लार्ज पिस्टन अब यहाँ से जो एक ट्वेंटी डिटेन की फोर्स लगा दी उसके बाद आपको बताना है ये जब ये फोर्स लार्ज पिस्टन पे होगी तो ये कितनी हो जाएगी सी में हमसे कहते हैं डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन आपको बताना है कि स्मॉल पिस्टन और लार्ज पिस्टन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ठीक है तो ये तीनों पार्ट इसके हमें करने हैं हाइड्रोलिक सिस्टम आपने ये देखा हुआ होगा बिल्कुल इसी तरह से होता है और ये यूज़ किया जाता है हैवी लोड उठाने के लिए जैसे गाड़ियाँ वगैरह वॉश करने के लिए ऊपर उठानी होती हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम होता है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो वाटर भी हो सकता है और कोई भी फ्लूड हो सकता है मोस्टली इसके अंदर वाटर ही यूज़ किया जाता है ये जो स्मॉल पिस्टन होता है इसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं आपको पता है एरिया इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन टू प्रेशर तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है जब ये प्रेशर जो होता है ट्रांसमिट होता है इस लिक्विड के जरिए लार्ज पिस्टन पे क्योंकि फ्लूड का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया इसलिए फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि प्रेशर और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं जब एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाती है जब एक चीज़ डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है तो इसलिए लार्ज पिस्टन के ऊपर फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी ये फोर्स ज़्यादा होती है इसकी वजह से ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाता है और जो लोड होता है उसे लिफ्ट कर लेता है ठीक है ये एक सिंपल सा सिस्टम है इसे कहते हैं हाइड्रोलिक है सिस्टम क्योंकि इसके अंदर वाटर यूज़ हो रहा होता है को या कोई फ्लूड यूज़ हो रहा होता है अब इस डोमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं डेटा बनाते हैं हम एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन स्मॉल पिस्टन का एरिया कितना है स्मॉल पिस्टन का एरिया है जीरो पॉइंट मीटर स्क्वायर एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और देखिए पॉइंट के बाद दो जीरो है उसके बाद जो है वैल्यू है इसका मतलब है ये छोटा है एरिया स्मॉल पिस्टन का एरिया ए वन हमारे पास है जीरो पॉइंट डबल जीरो मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन ए टू हमारे पास है जीरो पॉइंट वन मीटर स्क्वायर देखिए पॉइंट के बाद डायरेक्ट वन है और इसमें पॉइंट के बाद डबल जीरो फाइव है इसका मतलब है ये स्मॉल है और ये लार्ज है हमें इसके अंदर एफ़ वन गिविन है जो कि छोटे पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है ट्वेंटी न्यूटन अब हमें फाइंड क्या, क्या क्या करना है तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है जो प्रेशर फ्लूड के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रेशर पी फाइंड करना है फोर्स एट लार्ज पिस्टन लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फाइंड करनी है यानी एफ़ टू हमें फाइंड करनी है एफ़ वन हमें गिविन है और एफ़ टू हमें फ़ाइंड करनी है सी के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन सी के अंदर हमें स्मॉल पिस्टन और लार्ज पिस्टन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हमें कंपेयर करके बताना है सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करते हैं इसके अंदर हम डेटा बनाते हैं इसके अंदर हमें प्रेशर फाइंड करना है और फोर्स हमारे पास है एफ वन हमारे पास है ट्वेंटी न्यूटन स्मॉल पिस्टन का एरिया ए वन है हमारे पास जीरो पॉइंट डबल ज़ीरो फाइव मीटर स्क्वायर तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं पी इजिकल्स टू एफ बाई ए अब ये प्रेशर जो है ना ये प्रेशर पूरे फ्लूइड का प्रेशर होगा ये प्रेशर हमें फाइंड करना है एफ वन अपॉन ए वन के जरिए अब हम एफ वन को ए वन से डिवाइड करेंगे एफ वन हमारे पास है ट्वेंटी और ए वन हमारे पास है जीरो पॉइंट डबल ज़ीरो फाइव ट्वेंटी को जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा फोर थाउजेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर आप इसको पास्कल भी लिख सकते हैं पी ए वन पासकल इजिकल्स टू वन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसके बाद हम पार्ट बी करते हैं पार्ट बी में हमें फ़ोर्स फाइंड करनी है फोर्स एट लार्ज पिस्टन लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है वो हमें फाइंड करनी है एफ टू हमें फाइंड करनी है और हमें गिविन क्या क्या है इसके अंदर हमें गिविन है प्रेशर हमें मालूम है प्रेशर जो हमने निकाला है वही प्रेशर हम यूज़ करेंगे फोर थाउजेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ए टू यानी लार्ज पिस्टन का एरिया हमें मालूम है जीरो पॉइंट वन मीटर स्क्वायर तो इसके ज़रिए हम इसे फाइंड कर लेंगे फार्मूला होता है पी इज इक्ल्स टू एफ अपॉन एफ टू अपॉन ए टू तो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एफ टू अपॉन ए टू हमें इसके अंदर एफ टू फाइंड करना है एफ टू को यहीं छोड़ देंगे ए टू जो है इससे डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ चले जाएगा पी के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ टू विल बी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई ए टू यानी हम प्रेशर को जो कि फ्लूड के अंदर जो प्रेशर है उसको हम बड़े पिस्टन का जो एरिया है लार्ज पिस्टन के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी कि लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है पी हमारे पास है फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ए टू कितना है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट वन फोर थाउजेंड को जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा फोर हंड्रेड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल अब आप ज़रा फोर्स को कंपेयर करें कि एफ वन कितनी थी हमारे पास एफ वन हमारे पास थी ट्वेंटी न्यूटन स्मॉल पिस्टन के ऊपर जिसका एरिया छोटा था ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी वो फ्लूड के अंदर उसने प्रेशर एक्सर्ट करा और वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर गया उसने लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करी वो फोर्स हो गई फोर हंड्रेड न्यूटन सॉरी या मैंने गलत लिख दिया ये हमने फोर्स निकाली प्रेशर नहीं निकाला मैंने प्रेशर की यूनिट लिख दी है तो इसको काट देती हूँ मैं एफ टू हमारे पास है फोर हंड्रेड न्यूटन पार्ट सी के अंदर हमें ये बताना है कि जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई तो उस फोर्स की वजह से उस स्मॉल पिस्टन ने डिस्टेंस ट्रेवल करा जिसकी वजह से प्रेशर ट्रांसमिट हुआ लिक्विड के अंदर उस प्रेशर की वजह से जो फ्लुइड के अंदर प्रेशर ट्रांसमिट हुआ था उस प्रेशर की वजह से लार्ज पिस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुई फोर न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई और लार्ज पिस्टन ने ऊपर की तरफ डिस्टेंस तय करा हमें ये बताना है कि लार्ज पिस्टन या स्मॉल पिस्टन दोनों में से कौन सा पिस्टन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा देखें जब स्मॉल पिस्टन पे ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई तो स्मॉल पिस्टन ने लार्ज पिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस तय करा तो हमें कैसे पता चला कि स्मॉल पिस्टन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराया हमें ऐसे पता चला कि स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स ट्वेंटी न्यूटन लगी और लार्ज पिस्टन के ऊपर फोर्स हो गई फोर हंड्रेड न्यूटन ये फोर्स इसलिए इंक्रीज हो गई कि स्मॉल पिस्टन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके कम फोर्स से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करा और उस ज्यादा प्रेशर की वजह से जो लार्ज पिस्टन था उसके ऊपर फोर्स इंक्रीज हो गई क्योंकि लार्ज पिस्टन पे फोर्स इंक्रीज हो रही है इससे हमें पता चल रहा है कि स्मॉल पिस्टन ने ज्यादा ट्रेवल करा है जबकि लार्ज पिस्टन ने कम ट्रेवल करा है तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं स्मॉल पिस्टन ट्रेवल्ड मोर देन लार्ज पिस्टन स्मॉल पिस्टन ने लार्ज पिस्टन के ज्यादा ट्रेवल करा है एस फोर्स इज इंक्रीज एट लार्ज पिस्टन ठीक है यह इसका आंसर है एक बार मैं और पढ़ देती हूँ द स्मॉल पिस्टन ट्रेवल मोर देन द लार्ज पिस्टन एज द फोर्स इज इंक्रीजिंग एट लार्ज पिस्टन हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए सेक्शन भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन में जितने नोमैनिकल्स है वो मैंने इस वीडियो में कलेक्ट कर दिए अगर आप सेक्शन भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के बाकी तमाम क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो फिजिक्स क्लास नाइन की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा उसमें आपको सेक्शन भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो अवेलेबल होगी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अल्लाह